फेडरेशन पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने वफाकी बजट को मतवाजन करार दे दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से FBCCI की तरफ से पेश की जाने वाली 70% तजावीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया, जो कि मुल्क व मईशत के लिए नेक शगुन साबित होगा। फेडरेशन पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के जेर एहतमाम फ्लैटिस होटल लाहौर में बजट को सुनने के लिए अहम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत सदर FBCCI नासिर हयात मगू, सीनियर नायब सदर ख्वाजा शाहजेब अकरम ने की, जबकि तकरीब में साबिक सदर FPCCI मियां जुम निसार, नायब सदूर FPCCI सुल्तान चावला, हनीफ लाखानी, सलीम बुल्लर, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन FPCCI पंजाब मोहम्मद अली मियां, चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी FPCCI इरफान इकबाल शेख, चेयरमैन BGP ग्रुप बलोचिस्तान जुमा खान, कैसर खान दाऊजई, चेयरमैन पियाफ मियां नुमान कबीर, गुजरांवाला से शेख मोहम्मद असलम, गुलाम हुसैन जज, आबिद मुनीर, ताहिर जावेद मलिक समेत पाकिस्तान के चारों सूबों से FPCCI की क्यादत तकरीब के मौके पर मौजूद थी। फेडरेशन पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के जेर एहतमाम बजट सेशन के हवाले से ग्रैंड तकरीब के मौके पर महमूद गजनवी, राजा मोहम्मद उमर नवाज, मियां मोहम्मद नवाज, मोहम्मद आतिफ नवाज, मसूद निजामी, मलिक मोहम्मद खालिद, चेयरमैन टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन अदनान सहगल, सदर टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन राना नदीम अब्बास, सदर सरगोदा स्मॉल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज शेख मोहम्मद आसिफ, फहीम रहमान सहगल, जफर महमूद चौधरी, नवीद असलम, मलिक मोहम्मद रियाज, बाऊ मोहम्मद बशीर समेत मुल्क भर से कदावर बिजनेस लीडर्स की बड़ी तादाद तकरीब के मौके पर मौजूद थी। तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए FPCCI की क्यादत और ताजर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत ने मुनासिब बजट पेश किया, लेकिन बजट की तफसीलात आना बाकी है, जिसके बाद असल सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकेगा। ताजर रहनुमाओं का मजीद कहना था कि बजट स्पीच सुनकर उम्मीद कर रहे हैं कि मौजूदा बजट मुल्की व मुआशी तरक्की का पेश खेमा साबित होगा। बजट में जो हमारी मेन प्रपोजल थी वो थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हरासमेंट जो FBR करता है हमारे कारोबारियों के साथ, तो उसमें उन्होंने हमारी काफ़ी बातें मानी। मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुशाइंद और मुस्बत बजट जो है वो पेश किया गया है। इसमें इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया है, कोई भी नए टैक्स आयद नहीं किए गए बजट में, क्योंकि जितनी भी स्पीच हुई है उसमें कोई नए टैक्स नहीं लगाया गया, तो ये तो उस हद तक तो ये बात खुशाइंदा है। लेकिन कुछ चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ भी दिया गया है, थोड़ा थोड़ा ही सही। टर्नओवर टैक्स जो है वो 1.5 से 1.25 किया गया है। विदहोल्डिंग टैक्स के जो 36 किस्म के सेक्टर्स में जो विदहोल्डिंग टैक्स इम्पोज था उसमें से 12 को जो है उसमें कुछ कमी की गई है। जो अभी तक सुना हमने वो एक रवायती बजट है, इसमें टैक्स नया गए तो नहीं लगाया, लेकिन पुराने टैक्सों की शराह पर रिवाइज करने की जरूरत थी, वो नहीं हो चुका। महंगाई कम करने के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने के लिए जरूरत थी कि जो सेक्टर बहुत जिनको नुकसान हुआ है, जिस तरह होटलिंग इंडस्ट्री है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, जिस तरह एयरलाइन की इंडस्ट्री है, बाकी तमाम जो इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा है, ट्रेडर्स को नुकसान पहुँचा है, उनके लिए कुछ पैकेज का ऐलान किया जाता है और बिजली के रेट कम किए जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी कल डिटेल आएगी तो पता चलेगा। एज एक्सपेक्टेड चीज़ें जो बजट की हमने की थी वो बजट भी उसी तरह से आया है और मिला जुला बजट आया है, और उम्मीद है कि इसमें लोगों को रिलीफ मिलेगा, एक अच्छा मतवाजन बजट है। दूसरी बात जो मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ रखा गया। किसानों के लिए एक ट्रैक्टर बिला सूद, फिर अपना 1.5 लाख रुपया कर्जा बिला सूद, ये पहली बार हुआ है। और गवर्नमेंट कुछ और भी चीज़ों में उनके लिए 2-2 लाख रुपए की एक अपना फैसिलिटीज उन्होंने दी है कि ये भी बिला सूद मिलेंगी, जो पहले कभी नहीं मिली। एक बहुत अच्छा अपना गवर्नमेंट ने काम किया ताकि हमारा काश्तकार बेहतर होगा, हमारी फसलें बेहतर होंगी। आज का बजट ओवरऑल एक मुतवाजन बजट हम कह सकते हैं कि पियाफ की जानिब से जो गुजारिशात की गई थी उसमें काफ़ी हद तक मौजूदा बजट में गवर्नमेंट ने लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए मानी भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से SME सेक्टर के लिए, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए जो हम उम्मीदें किए हुए थे और जो रिलीफ पैकेजेस के लिए हकूमत से रिक्वेस्ट की थी, वो बहुत सी बातें का ऐलान नहीं किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि जब बजट की डिटेल्स आएंगी उसमें हम कुछ देख पाएंगे कि क्या क्या इकदाम हैं। बहुत टफ टाइम से हम गुजरे हैं पिछले 2-3 साल में। गवर्नमेंट ने जो इस साल जो बजट दिया है, बज़ाहिर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट भी उसी चीज़ का फोकस कर रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ मोमेंटम क्रिएट हो, जो अब क्रिएट हुआ है। बजट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे सुना है, बैठा हुआ था फेडरेशन की तरफ से, तो मुतमईन है इस बजट से। जो फेडरेशन का कोई 60 से 65% तजावीज था ना, उस पर अमल हुआ। इस वफाक के बजट को देख कर जो सबसे मुझे हैरत हुई वो ये था कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में कोई चीज़ ना तो समझ आई है और ना कोई वफाक ने रिलीफ दिया है।
तो ये बहुत एक तकलीफ दे बात है। काफ़ी सेक्टर्स में कुछ रिलीफ दिया सेक्टर्स के ऊपर, लेकिन जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है ये काम उसको बिल्कुल भी नहीं असेस हो सकता कि देखे उनमें टैक्स नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। एक्सपैट्रिएट्स जो पाकिस्तानी है उनके लिए ये गवर्नमेंट कोई पैकेज अनाउंस करेगी और उनके लिए कोई ऐसा मनसूबा इंट्रोड्यूस करवाएगी कि जो लोग वहाँ बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस वहाँ करते रहें, मगर इधर भी आके वो अपना कोई बिजनेस कोई काम शुरू करें और उनके लिए गवर्नमेंट जो है उनको फैसिलिटेट करने के लिए वन विंड ऑपरेशन अनाउंस करे। इसमें जो ज़्यादा खुशाइन बात है वो ये है कि कम से कम कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और इसमें जो है वो टर्नओवर टैक्स भी जो है उसकी भी जो है वो 10 करोड़ रुपए तक ले गए हैं उसको कि उसके बाद जो है उस पर लगेगा। ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि बजट जो अभी तक है ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई मतवाजन बजट है, बेहतर बजट है, तो अब डिटेल जब आएगी फिर सामने फिर पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बेहतर ही रहेगा इन हालात में। अब तक की मालूमात के मुताबिक तो यही लगा है कि ये एक बड़ा मतवाजन बजट है, लेकिन चूँकि जब तक डॉक्यूमेंट्री कोई चीज़ सामने नहीं आती तो फाइनल जो है उसके ऊपर कमेंट्स नहीं किया जा सकता। बज़ाहिर तो जो वफाक ने बजट पेश किया मतवाजन लग रहा है, जो हम देख रहे हैं जो सबसे अच्छी बात है कि कोई नए टैक्स का इजरा नहीं हुआ, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो टैक्सों में इन्होंने कमी की है ये इंशाल्लाह ताला ये ताजर बरादरी के लिए बड़ा अच्छा इकदाम है।